हर हर महादेव माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम बात कर रहे हैं नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। और यहाँ पर हम वेक्टर देख चुके हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। हमने देखा है कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका डायरेक्शन सेम रहता है और उसका मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो जाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। हमने ये भी देखा कि अगर नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। जितने भी टाइप के वेक्टर्स फिजिक्स में हम देखने वाले हैं उन सारे वेक्टर्स के बारे में हम आज समझ लेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास में आती है, सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास में आती है, कौन सा आपके स्क्रीन पे देख रहा है, इक्वल वेक्टर। सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास में आ रही है इक्वल वेक्टर। ओके, इक्वल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर इक्वल है इसका मतलब क्या है ना। जैसे कि एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, दोनों इक्वल है। हमने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। ओके, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सी, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब इसे समझना थोड़ा सा लॉजिकल है। जैसे हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है ना, ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, दिख रहा है आपको पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम की साइड ए बी और सी डी दिख रही है आपको। तो यहाँ पर ये जो ए बी साइड है अगर इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करें और सी डी साइड को दूसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों का लेंथ भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, सेम एज इट इज़। अगर हम ए सी वेक्टर लिखें है ना, अगर हमने लिखा ए सी वेक्टर, क्या लिखा, दिस AC वेक्टर, तो ये AC वेक्टर को हम लिख सकते हैं BD वेक्टर के बराबर। क्या लिख सकते हैं, BD वेक्टर के बराबर। तो these are two equal वेक्टर्स, ये क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर होते हैं। ओके, ऐसे हम अलग अलग जगह पर इक्वल वेक्टर के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इक्वल वेक्टर का मतलब ये है, इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है। नेक्स्ट हमको बात करना है पैरेलल वेक्टर की। किसकी बात करना है, पैरेलल वेक्टर की। सेकंड हमारे पास में पैरेलल वेक्टर है। ओके, तो पैरेलल वेक्टर की शुरुआत हम करते हैं। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, पैरेलल वेक्टर का मतलब है ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो। सेकंड कैटेगरी हम क्या देखते हैं, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम हो, जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जैसे आपने लिखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ हैविंग सेम डायरेक्शन व्हेन टू वेक्टर्स आर हैविंग सेम डायरेक्शन। अगर उनका डायरेक्शन सेम हो, जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो। ओके, तो यहाँ पर पैरेलल वेक्टर को लिखने का तरीका क्या, बी वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, है ना। ऐसा अगर हमने ऐसा लिखा, जो कि हम पहले देख चुके हैं, है ना, हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर ये पैरेलल वेक्टर होंगे। ए और बी मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं कि इक्वल हो। दिस इक्वल वेक्टर इज वन एग्जाम्पल, वन कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर। ये हम लिख सकते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, डायरेक्शन तो इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे इक्वल वेक्टर, क्या लिख सकते हैं, इक्वल वेक्टर इज वन एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे, वन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का एक एग्जाम्पल है जिसमें मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, इक्वल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं पैरेलल वेक्टर के। एग्जाम्पल हमारे पास में है, अभी हमने देखा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल वेक्टर, फोर्स और एक्सेलरेशन क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर होते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ये था एग्जांपल नंबर 1। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो हम कहेंगे कि मोमेंटम और वेलोसिटी पैरेलल वेक्टर होते हैं। क्या कहेंगे? मोमेंटम एंड वेलोसिटी आर पैरेलल वेक्टर, और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल होते हैं। तो पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो, और मैग्नीट्यूड सेम हो तो फिर इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। ओके, थर्ड कैटेगरी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रही है ना, और आप खुद भी समझ सकते हैं। आप खुद ही बताइए अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, है ना। आप खुद ही यहाँ पर बता सकते हैं कि अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास में है अपोजिट वेक्टर, जिसको हम कहेंगे एंटी पैरेलल। क्या कह सकते हैं? एंटी पैरेलल, है ना भैया, पैरेलल के साथ एंटी। ओके, एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, जिसके साथ एंटी होती है वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना। हम जो कहते हैं हाँ तो वो कहेगा ना, हमने कहा चाय तो वो कहेगा कॉफ़ी। एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में जो जाता है ना। तो अगर दो वेक्टर, जैसे एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जरूरी नहीं मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर, है ना, क्या लिख सकते हैं हम, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ओके, के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, जरूरी नहीं वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो पर अपोजिट डायरेक्शन में है। व्हेन टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, अगर उनका डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे अपोजिट वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपोजिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो नेगेटिव साइन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना, हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये भैया एक पार्टिकल, ये भैया दूसरा पार्टिकल, ये है m1 और ये है m2, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर, जिसको हम कहेंगे f ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर, जिसको हम कहेंगे f ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है पर डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? f21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f12। ओके, तो यहाँ पर ये अपोजिट वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? अपोजिट वेक्टर है। हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस अपोजिट वेक्टर? बाय यूजिंग नेगेटिव साइन। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेगेटिव साइन का यूज़ करके, है ना। तो यहाँ पर हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी देखा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या देखा? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या देखा है भैया? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, अपोजिट रिएक्शन। तो बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आने वाला है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कहें कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, दिस f12 वेक्टर इज एक्शन, इफ वी आर कंसिडरिंग इट इज एज एक्शन, So this is the reaction. This is the reaction. तो यही difference है क्लास 9th और क्लास 11th में, यही difference है। Representation, understanding, concept बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर माइनस साइन, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं F12 का मैग्नीट्यूड F21 के F12 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अगर यहाँ पर हमने केवल माइनस साइन का यूज़ किया, पर अगर हमने के का यूज़ कर लिया है तो फिर मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल भी देखा कि कैसे आप अपोजिट वेक्टर को समझेंगे, कहाँ अपोजिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम इसलिए देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सारे हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। इसलिए एक भी कॉन्सेप्ट आपको मिस नहीं करना है, सिस्टमेटिकली प्रॉपर नोट्स बनाना है ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो। आगे आने वाले और जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट है वो हम और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली हम उसके बेस पर किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को, किसी भी टाइप के कॉन्सेप्ट को, एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे। इसलिए आपको एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। सेकंड हमारे पास में है पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, पैरेलल वेक्टर। नहीं, पैरेलल तो पढ़ लिया हमने, अब हमारे पास में फोर्थ कैटेगरी आता है परपेंडिकुलर वेक्टर।